बात करते हैं बीकानेर की। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा तथा बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र विधायक सिद्धि कुमारी ने शनिवार को जयनारायण व्यास कॉलोनी में शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर डिस्पेंसरी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मैं कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि शहरी क्षेत्र में आयुष्मान आरोग्य केंद्र खोले जा रहे हैं। इससे आसपास के क्षेत्र के लोगों को घर के नज़दीक स्वास्थ्य सेवाएं मिलने लगी है। इन केंद्रों में ओपीडी और अन्य जांच सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने क्षेत्रवासियों को यहां डिस्पेंसरी खुलने के लिए बधाई देते हुए कहा कि स्वास्थ्य केंद्रों और राज्य सरकार के लिए प्राथमिकताओं का विषय है। आयुष्मान बीमा योजना के माध्यम से सरकार ने आम जन के स्वास्थ्य की गारंटी दी है और खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री गोदारा ने कहा कि शहरी क्षेत्र में बड़े अस्पतालों पर दबाव कम करने और लोगों को उनके घरों के नज़दीक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से यह केंद्र खोले जा रहे हैं। इन केंद्रों को क्रमबद्ध रूप से और विकसित किया जाएगा। केंद्र सरकार के साथ अब राज्य सरकार मिलकर कार्य कर रही है, जिसका सीधा लाभ प्रदेश की जनता को मिलेगा। विधायक सिद्धि कुमार ने कहा कि क्षेत्र में सड़क, बिजली, पेयजल आपूर्ति और गुणवत्ता परक शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लक्ष्य के साथ प्रतिबद्धता के साथ काम किया जा रहा है। आमजन के जीवन को सुगम और सरल बनाना राज्य सरकार का लक्ष्य है। शिक्षा और स्वास्थ्य सूचकांक में गुणवत्ता सुधार के लक्ष्य के साथ यह केंद्र शुरू कर लिए जाएंगे और जयनारायण व्यास कॉलोनी क्षेत्र में इस डिस्पेंसरी के खुलने के साथ निवासियों को राहत मिलेगी। इस केंद्र के खुलने से मौसमी बीमारियों, टीकाकरण और अन्य स्वास्थ्य अभियानों में सफल संचालन में भी मदद मिल सकेगी। के बाद इस मद पर पंख लगे। पहले यहाँ कोई बड़ी कंपनी होती नहीं थी, वो देती नहीं थी। बोला हम तो हमारे क्षेत्र में काम करते हैं जी, मद्रास देंगे, चेन्नई देंगे, बॉम्बे देंगे, प्रयागराज दे देंगे। हम क्या बीकानेर में कोई कंपनी थी नहीं, तो कहां से दे? एक एनएलसी थी दे करके, तो एनएलसी कहती थी कि साहब हम तो घाटे में चल रहे हैं। अब जाकर के उसको कहा अर्जुन करवा दे। इस प्रोग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि भावी पीढ़ी के लिए 2047 का भारत कैसा हो, इसके लिए कोई प्रोजेक्ट लेकर के आएगा तो कंपनियों को कहा आप मना मत करना, मैं ये 2047 में बीकानेर में जब देश विकसित होगा तो बीकानेर में भी विकसित जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा होनी चाहिए। तो ऐसी राशि मांगते थे तो भी रेलवे कहता था पैसे नहीं है, लेकिन बीकानेर रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट प्लान 471 करोड़ का बना, पूरा का पूरा रेल मंत्री जी ने सैंक्शन किया। मोदी है तो ये हमारे रेलवे के बड़े अधिकारी किशन जी क्या बैठे हैं, इनको एक दिन कह रहा था मैंने कहा क्या लगता है कि बोला हमारे जमाने में तो कोई 5-7 करोड़ भी कोई रेलवे स्टेशन को मिलते थे। करोड़ गैप तो देखिए, कहां मनमोहन सिंह जी का कालखंड, कहां मोदी जी का कालखंड, फर्क साफ है, फर्क साफ है। और आप देखिए, अभी सुमित जी मुझे एक किसी और मीटिंग में 2-3 दिन पहले ये बोला, मैंने इनको कहा, इन्होंने भी समझाना शुरू किया। हमने हमारे घोषणा पत्र में जो राजस्थान सरकार का बना है उस समय इकोनॉमी की साइज का सब्जेक्ट हम लेकर के गए।